नमस्कार। संवत 2080 कार्तिक मास, दीपावली का यह मास है। हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार दिवाली इस महीने में आता है। इस बार दीपावली का पर्व 10 नवंबर से आरंभ हो जाएगा। आज हम बात करते हैं धनतेरस की। इस बार धनतेरस 10 नवंबर की है, शुक्रवार है, हर्ष नक्षत्र है, अमृत सिद्धि योग है। इस योग में यद्यपि दोपहर 12:35 तक द्वादशी तिथि है, उसके बाद त्रयोदशी अर्थात धन प्रसारम हो गई। धनतेरस प्रदोष व्यापनी निषिद्ध व्यापनी होती है। इसमें धन की देवी लक्ष्मी का ही आह्वान किया जाता है, यानी उस दिन से लगातार माँ लक्ष्मी आकर के हमारे घर विराजमान हो जाएं। उस दिन व्यावहारिक रूप में लोग नए वस्तु खरीदते हैं, आभूषण, चांदी के सिक्के, माँ लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति आदि आदि, और घर का सामान, बर्तन आदि सामान। तो ये सामान, ये वस्तु जो खरीदते हैं, इसके लिए बहुत अच्छा मुहूर्त है उस दिन। कहते हैं कि धातु वसती लक्ष्मी, धातु के धातु में लक्ष्मी रहती है, इसलिए धातु को खरीदना अच्छा माना गया है इस दिन। और धातु भी विशेष रूप से चांदी, सोना, ये धातु कीमती धातु हैं, इन्हें खरीद करके इकट्ठा करना, पैसे ये हो रहे हैं तो उसको लेकर के संचय करना, और नहीं तो बर्तन पीतल का, स्टील का, तांबे का, जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार है उसकी आप खरीदारी करें। वैसे ही आवश्यक नहीं कि इस दिन सामान खरीदा जाए, लेकिन परंपरागत रूप से लोग आचार से चला रहा है कि धातु में लक्ष्मी आती है, तो लक्ष्मी धातु के रूप में इस दिन हमारे घर लक्ष्मी आ जाती हैं और दिवाली का पूरा पर्व उनके सानिध्य में बीतता है। तो इस दिन शुक्रवार है, 12:35 तक द्वादशी है। ये द्वादशी बड़ी महत्वपूर्ण है, इसे कहते हैं गो वत्स द्वादशी, यानी गाय के बछड़े की पूजा करना। गाय का, हमारा जो देश है कृषि प्रधान है, और गाय और बछड़ा और बैल, इनकी पूजा, इन्हीं के द्वारा खेती होती है, हमारी होती थी पहले से, अभी होती है, लेकिन इनको महत्व है कि गाय माता का जो बछड़ा है उसकी पूजा करें, पूजन करें, ग्वाल वाले पूजा करें, ऐसा माना गया है। इसके बाद 12:35 के बाद त्रयोदशी आ जाएगी, क्योंकि शुक्रवार को 12 बजे तक राहु काल है, इसके बाद शाम तक रात्रि 11 बजे तक किसी भी शुभ मुहूर्त में आप अपने घर के लिए नया सामान, बर्तन, वस्तुएं, हीरे जवाहरात, सोना चांदी के आभूषण खरीद सकते हैं, और साथ साथ में लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति, सिक्का आदि भी रखते हैं। ये आपके लिए बहुत शुभ है। धन्यवाद।